श्रोताओं आइए सुनते हैं आकाशवाणी जैसलमेर द्वारा दिनांक 16 मार्च 2013 को मरु सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित मांड महोत्सव 2013 के संपादित अंश का पहला भाग। सुधी श्रोताओं, रेडियो के माध्यम से हम आपसे प्रतिदिन रूबरू होते ही हैं, लेकिन आकाशवाणी की परंपरा के अनुसार विविध कार्यक्रमों के आयोजन के माध्यम से स्थानीय कला एवं संस्कृति के उत्थान हेतु अपने श्रोताओं के बीच में जाकर इस प्रकार के आयोजन करने की एक परंपरा रही है। विगत वर्ष में एयरफोर्स जैसलमेर के संयुक्त तत्वाधान में केंद्रीय विद्यालय के प्रांगण में लोक संगीत सभा तथा इसी मरु सांस्कृतिक केंद्र में शास्त्रीय संगीत सभा का आयोजन आकाशवाणी द्वारा हो चुका है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मरु सांस्कृतिक केंद्र की इस संस्कृतिमय धरा पर मांड महोत्सव को लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। मांड लोक गायन की विशिष्ट शैली है जो शास्त्रीय संगीत के समकक्ष मानी जाती है। यह हमारे यहाँ की एक खास शैली है जो आज के समय में प्रायः लुप्त सी हो रही। मांड गायकी की इस परंपरा को सहेजने के उद्देश्य से आकाशवाणी ने गुरुतर दायित्व निभाने का प्रयास करते हुए मांड गायकी की परंपरा और इससे जुड़े कलाकारों को अपने समकक्ष लाने का प्रयास किया है। इन्हीं प्रयासों के अंतर्गत आज के इस मांड महोत्सव में आप देश के प्रख्यात एवं श्रेष्ठ मांड गायकों की स्वर लहरियों का लुत्फ उठाएंगे। तो चलिए आज के इस महोत्सव में हमारी संस्कृति और विरासत को सहेजते हुए आप सभी आमंत्रित श्रोताओं का मैं प्रार्थना व्यास और मैं शरद शर्मा तहे दिल से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। परम पिता परमेश्वर का स्मरण करते हुए कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत के लिए दीप प्रज्वलन हेतु मैं सादर आमंत्रित करने के लिए विनम्र निवेदन कर रहा हूँ। हमारे आज के कार्यक्रम में पधारे ग्रुप कैप्टन मिस्टर करकरे, मिसेस करकरे, आकाशवाणी जैसलमेर के कार्यक्रम प्रमुख श्री महेंद्र सिंह जी लालस, आकाशवाणी जैसलमेर के तकनीकी प्रमुख श्री जी आर बाटन, वरिष्ठ इतिहासकार गुरुजी श्री नंद किशोर जी शर्मा। आइए दीप प्रज्वलन के साथ हम शुरू करते हैं आज का ये मांड महोत्सव। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या श्वेत पद्मासना, या वीणावर दंड मंडित करा, या वीणावर दंड मंडित करा, या शुभ्र वस्त्रावृता, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति भेदेवै सदा वंदिता, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति भेदेवै सदा वंदिता, सामां पातु सरस्वती भगवती, सामां पातु सरस्वती भगवती, निशेष जाड्यापहा, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदन के साथ आज का हमारा ये कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। हम आमंत्रित कर रहे हैं आकाशवाणी जैसलमेर के कार्यक्रम प्रमुख श्री महेंद्र सिंह जी लालस को कि वे अपने स्वागत शब्द पंखुड़ियों से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत। नमस्कार साथियों, मांड महोत्सव में हम आकाशवाणी जैसलमेर की तरफ से, आकाशवाणी जैसलमेर के परिवार की तरफ से आप सभी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मैं स्वागत करता हूं ग्रुप कैप्टन करकरे जी का, वो हमारे बीच सपरिवार हमारे छोटे से न्योते पर आए। मैं साथ ही स्वागत करता हूं गुरु जी का, हालांकि वो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं लेकिन जैसलमेर की संस्कृति का जिक्र अधूरा है उनके नाम के बिना। और एक और बात, जिस ज़मीन पर हम बैठे हैं, इस ज़मीन पर, इस धरा पर, इस मरु सांस्कृतिक केंद्र पर
इस कार्यक्रम के आयोजन के पीछे हमारा मुख्य उद्देश्य भी यही था कि ये सधी हुई जमीन है और एक तरह से इसकी साधना अनवरत इन्होंने की है, लिहाजा इस ज़मीन पर हम उनका दिल से उन्हीं की ज़मीन पर स्वागत करते हैं। संस्कृति की ज़मीन पर हम संस्कृति कर्मी होने के नाते एक बार इनके लिए ज़ोरदार तालियां बजाते हैं। साथ ही स्वागत करता हूं मैं श्री सुधांशु रथ जी, एयर कॉमोडोर जो हैं जैसलमेर वायु सेना स्टेशन के मुखिया। बहुत बहुत स्वागत रथ साहब, एक बार ज़ोरदार तालियां बजाएंगे। रथ साहब हमारे छोटे से न्योते पर हमारे कार्यक्रम में आए, और ये भी मैं आपको बता दूं कि आप व्यस्त हैं लेकिन कला के प्रति आपका समर्पण, आपका प्यार, और उससे ज़्यादा यूं कहूं कि हमारे आकाशवाणी से आपका विशेष प्यार है तो भी गलत नहीं होगा। रथ साहब बहुत बहुत हम आपके शुक्रगुजार हैं आप हमारे बीच में आए। साथ ही मैं स्वागत करता हूं ग्रुप कैप्टन के शांडिली जी का और बाकी तमाम लोगों का, देवी और सज्जन आप सभी का, क्योंकि आप इतने कम समय में आप सभी का एक नाम लूँ संभव नहीं, लेकिन आप सभी का हृदय से स्वागत है। मित्रों मांड महोत्सव थोड़ा सा सुंदर लगता है लेकिन इसके आयोजन के पीछे कुछ बातें बताना मुझे बहुत ज़रूरी लगता है और आपके साथ साझा करना भी बहुत अनिवार्य लगता है, या यूँ कहूँ कि ये मेरे हृदय की बात है तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। वस्तुतः हम जिस ज़मीन पर बैठे हैं ये ज़मीन, ये धरा मांड धरा कहलाती थी या अभी भी कहलाती है। बहुत सारे विद्वानों और बहुत सारे स्कॉलर्स ने जब खोज किया कि मांड जो गायकी है वो कहाँ जन्मी, ठीक ठीक तौर पर वैज्ञानिक तौर पर तो नहीं पता लेकिन सभी विद्वान इस बात पर सहमत है कि जैसलमेर से ज़्यादा कौन सी ज़मीन हो सकती है जहाँ पर ये गायकी नहीं उपजी हो, यानी मांड जो गायकी है इसी ज़मीन इसी धरा पर उपजी है और इस ज़मीन पर उपज कर ये धीरे धीरे फैली। आप सभी जानते हैं कि मांड लोक गायकी ज़रूर है लेकिन इसका दर्जा, इसका सम्मान इतना ऊँचा है कि हमारे शास्त्रीय संगीत ने इसको बाकायदा राग का दर्जा दिया है। आप सब लोग जो शास्त्रीय संगीत सुनते हैं उन्हें ध्यान होगा हमारे अमर कलाकार उस्ताद अली अकबर खान साहब, भारत रत्न पंडित रविशंकर जी और तमाम बड़े कलाकारों ने अपने साजों पर मांड राग ज़रूर बजाया है। जिस तरह बंगाल की भटियाली को वो दर्जा मिला, इसी तरह हमारी ज़मीन की, राजस्थान की ज़मीन की मांड लोक गायकी को, लोक शैली को शास्त्रीय दर्जा मिला, इतनी इज्जत मिली। और इतनी इज्जत इसलिए मिली क्योंकि जो कलाकार मांड की इस परंपरा को बढ़ा रहे थे, जिन्होंने खून पसीने से इस कला को सींचा, वे सच में महान कलाकार थे। ऐसी एक बहुत बड़ी कलाकार अल्लाह जिलाई बाई को हम आज याद करते हैं, जिन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री भी दिया, बीकानेर में थी। गौरी देवी उन्हें भी हम याद करते हैं जोधपुर की, जो मरु कोकिला कहलाती हैं। लेकिन आज हमारे लिए खुशी की बात यह है कि इस मौके पर मांड की जो बची खुची महान गायिकाएं हैं, बुजुर्ग गायिकाएं हैं, वयोवृद्ध गायिकाएं हैं, उनमें से तीन ऐसी गायिकाएं हैं, सबसे पहले मांगी बाई जी जो उदयपुर की हैं वो आज हमारे बीच हैं, यानी हमारा ये सौभाग्य है कि हम उनको सुनेंगे। जमीला बाई और कुलसुम बाई बुजुर्ग औरतें जिन्होंने शायद 50 या 60 सालों से इस गायकी को वो निरंतर गा रही होंगी। अब उनके गले में ज़रूर वो युवावस्था वाला जोर या वो शायद नहीं रहा हो लेकिन मांड की जो बारीकियाँ हैं वो अभी भी आपको उनके गायकी में ज़रूर सुनाई देगी। तो लिहाजा मांड जहाँ जन्मी वहाँ पर अगर मांड ना हो तो हमारा आकाशवाणी का होना यहाँ पर सार्थक नहीं है। तो हमारे मन में ख्याल आया कि यहाँ पर मांड महोत्सव होना ज़रूरी है। हम ये भी सोच रहे हैं कि एक सेमिनार भी करें जिसमें बाकायदा कुछ पेपर्स आएँ और ये प्रमाणित हो कि इसी ज़मीन पर ये गायकी उपजी और कहाँ कहाँ कैसे फैली, मांड की क्या ख़ास बातें, वो हम शायद 3-4-5 महीने में प्लान करके करेंगे, आपको उसका ज़रूर न्योता देंगे। तो मांड की धरती पर हम ये मांड महोत्सव आयोजित कर रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, बुज़ुर्ग कलाकारों को सुनना, उनका सम्मान करना सच में हमारा कर्तव्य है, हमें करना भी चाहिए। और चूंकि ये गायकी लुप्त प्राय है तो लुप्त प्राय गायकी को सच में आपके सामने पेश करना और इन कलाकारों की हौसला अफजाई करना हमें ज़रूरी भी है, लेकिन उससे ज़्यादा ये भी ज़रूरी है कि ये गायकी आगे बढ़े, यानी आने वाली पीढ़ी ये भी जाने कि मांड क्या होती है और आने वाली पीढ़ी में बहुत सारे लोग मांड गाएं, सुनें और समझें। तो लिहाजा हमारी कोशिश ये है कि युवा लोगों को भी हम सराहें, उनकी हौसला अफजाई करें, साथ ही जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनकी जो गायकी है उसका भी हम यहाँ मज़ा उठाएं। और इस गायकी की जो बारीक चीज़ें, ख़ास तौर पे जो इसमें सुर लगते हैं इतने सुंदर, इतने सधे हुए, जैसे चैती कजरी इस तरह की चीज़ें हम सुनते हैं वो भी लगभग लुप्त प्राय है, उसी के समकक्ष उसी बारीक सुर से हमारे यहाँ पर ये महान कलाकार इस मांड को गाती हैं। मुझे बहुत हर्ष है और मैं यूँ कहूँ कि शायद मेरा सीना आज 72 इंच का हो गया माइकल फेल्प्स जितना,
तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इतनी प्रसन्नता है कि इतने बड़े कार्यक्रम को, इतने बड़े कलाकारों का कार्यक्रम बड़ा इसलिए कि जो भी मांड के बड़े कलाकार हैं सब हमारे बीच मौजूद हैं, हम यहाँ पर आज सुन रहे हैं, तो इनका हम लुत्फ उठाएंगे। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन ये बात कहनी मुझे सच में बहुत ज़रूरी थी। मांड को आप सुने भी, लेकिन थोड़ा सा यहाँ से एक चीज़ ज़रूर जहन में लेके जाएं कि हम सबके बस में जितना भी इस गायकी को बचाने और इसे आगे बढ़ाने का जो भी हमारे मन में ख्याल हो वो हम ज़रूर करें। यही इस कंसर्ट में आपके आने का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। तो मित्रों, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, एक बार शुरू में ही दिल खोलकर इन तमाम महान कलाकारों के लिए ज़ोरदार तालियाँ बजाएंगे। उससे पहले मैं आमंत्रित करूँगा गुरुजी नंदकिशोर जी को हमारे बीच में। जैसलमेर की संस्कृति इस तपोभूमि के बिना अधूरी है, और गुरुजी अगर आशीर्वाद न दें तो हम इस कार्यक्रम को कैसे शुरू करें। लिहाजा मेरा अनुरोध नंदकिशोर जी से कि आप पधारें और हमें और तमाम कलाकारों को ज़रूर आशीर्वाद दें। मांड प्रदेश की धरती में और मरु सांस्कृतिक केंद्र संग्रहालय में जो हमारे मांड गायकी के उच्च कोटि के कलाकार यहाँ पर पधारे हैं, उनका मैं इस संस्थान की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सौभाग्य मेरा रहा कि मेरे को पिताजी से कुछ मांड की गायिकाओं की बारीकियाँ सुनने का अवसर मिला, और वो सुनने के कभी कभी जब बारीकी सुनते थे तो मेरा हृदय जो है उससे खुलित हो जाता था। उसकी एक पंक्ति मैं सुना करके चाहूँगा कि आपको देखिए कि हमारी इस धरती के अंदर जिस समय यहाँ पुराने ऊँट के बड़े बड़े काफिले सुदूर देशों में जाते थे तो पीछे महिलाएं अपने पति की प्रतीक्षा में कई वर्षों तक उनके बिताती थी, और जब बरसात का समय आता था, जब वायु चलने लगती थी, तब बयार चलने लगती थी, तो वायु के माध्यम से अपने पति को क्या संदेश भेजती थी, उसका एक बानगी आपके सामने है। मांड राग की ये जो है प्रतिध्वनि के रूप में, अरे मारा सेनोरा बायरिया रे, मोरे मधुरो अरे डाली में तोरे अरे तोड़ लू बायरिया रे, हे मारी प्रीत न तोड़ी जा मारा सेनोरा बायरिया रे, धीमो रे मधुरो। इसके पीछे एक पर्दा लगा हुआ है, उस पर्दे को हमने मार्च से ढक दिया है, उसके नीचे लिखा हुआ है घाटी रो नगारो। जब हमारे जैसलमेर के मारावल ज्वार सिंह जी की शादी बूंदे में हुई थी हाडों के यहाँ, तब यहाँ की एक गायिका खुशाली बाई ने मांड राग के गाया था गीत वहाँ पर, आयो मारे महाराजा रो साथ सहेली रे मारी आधा रे कसुमल आधा केसरा। तो वो सारा चित्र हमने हमारे दीनदयाल जी ओझा किशन जी श्रीम जी श्रीपत मारे गुजर गए उनके सहयोग से हमने ये पर्दा बनाया, और उसको जो भाटी का नगारा आगे जाकर के घाटी पर गाया था इसलिए वो उस घाटी के नगारे के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो हमारे यहाँ पर मांड गायिका सिंध से लगा करके हिंद तक, हमारे हैदराबाद जो पाकिस्तान के अंदर चला गया है, वहाँ पर सारे लोग कलाकार वहाँ पर संगीत सीखते थे, वहाँ से आते थे। अब अंत में मैं लालच साहब के प्रति और आकाशवाणी के सभी लोगों के प्रति आभारी हूँ। आज का आयोजन जिसके अंदर मैं देख रहा हूँ कि लोग रुचिकर जो लोग हैं इस क्षेत्र अंदर वो यहाँ पर पधारे हैं, और इस संस्थान के अंदर मैं उन सभी लोगों का और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, और आकाशवाणी के सभी जो लोग इनके साथ कड़ी से जुड़े हुए हैं इस तरीके के कार्यक्रम यहाँ और आयोजित करेंगे, ताकि हमारे जो ये कार्य हमने बनाया है वो मेरा जो ये जो सपना है उसको साकार करने में और इसकी जो है पुण्यता को बढ़ाने में वो भागीदार बनेंगे। धन्यवाद। हम आमंत्रित कर रहे हैं एयर ऑफिसर कमांडिंग एयरफोर्स स्टेशन जैसलमेर एयर कमांडर मिस्टर सुधांशु रथ साहब को कि वे मंच पर आएँ और आज के इस कार्यक्रम के संदर्भ में अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। प्रस्तुत देवियों और सज्जनों, मेरा ज्ञान इस कार्यक्रम के संदर्भ में मेरा ज्ञान बहुत कम है, और मैं आज यहाँ आया हूँ। मुझे जैसे ही मौका मिला, मुझे बताया गया कि ऐसा कुछ आयोजन है, तो मैं भाग के आ गया, सिर्फ इसलिए कि थोड़ा मैं सीख पाऊँ, थोड़ा ज्ञान पा पाऊँ। मैं इस देश में 17-18 जगह अलग अलग शहरों में रह चुका हूँ,
और जैसलमेर की एक याद है जिसे मैं साथ लेके जाना चाहूँगा। उसके लिए मैं आभारी हूँ सभी आयोजकों का, और अपनी तरफ से और अपनी पत्नी की तरफ से आप सभी का धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमें यहाँ आने का मौका दिया। धन्यवाद। चलिए आइए चलते हैं संगीत की दुनिया में। नवोदित उभरते कलाकारों को मंच प्रदान करना भी आकाशवाणी की परंपरा का एक हिस्सा रहा है। इसी संदर्भ में जैसलमेर शहर की उभरती नवोदित कलाकार श्रीमती नेहा व्यास आपके सामने मंचासीन है। कार्यक्रम के आरंभ में अपनी स्वर लहरियों को बिखेरते हुए प्रस्तुत कर रही हैं। केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश, इनके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं जयप्रकाश हर्ष। हारमोनियम पर अनिल पुरोहित। प्रस्तुत है गीत केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। केसरिया
इस उभरती नवोदित कलाकार को सुनने के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जैसलमेर भले ही मरुस्थल हो, सूखा पड़ता है, लेकिन संगीत की सरिता यहां हमेशा बहती है, जो आज आपके दिलों तक पहुंच रही है। इस मांड महोत्सव के माध्यम से कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आमंत्रित कर रहे हैं अपनी आवाज के दमखम से अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके और जैसलमेर की कला को जग प्रसिद्ध करने में अपना योगदान देने वालों में एक हैं हसन खां जैसलमेरी। आमंत्रित कर रहे हैं हसन खां जैसलमेरी को, जो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे मांड गायकी पर आधारित दो लोकगीत। पहले गीत के बोल हैं सियालो यानी सर्दी। इस गीत में आप सुनेंगे कि सर्दी की ऋतु में किस प्रकार से हमारा जीवन होता है, और इसके पश्चात इनका अगला गीत होगा बन्नड़ो। बन्नड़ो बन्ना दरअसल हमारी भारतीय संस्कृति की विवाह संस्कार परंपरा का एक हिस्सा। बन्नड़ो अर्थात दूल्हा। दूल्हे के रूप में हर आदमी अपने आप को कितना खुश नसीब और कितना गौरवशाली महसूस करता है, उसको इस गीत के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। तो सबसे पहले हसन खां जैसलमेरी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं बांड गायक पर आधारित गीत सियालो। Yeah.
आप सुन रहे थे हसन खां जैसलमेरी को। उम्मीद करते हैं आपको इनके द्वारा प्रस्तुत गीत अवश्य पसंद आया होगा। आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के वरिष्ठ कलाकार एवं मांड गायकी द्वारा संगीत विरासत को एक नया आयाम देते हुए देश के कई हिस्सों में अपनी प्रस्तुतियां देकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने वाली केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी द्वारा पुरस्कृत उदयपुर से पधारी श्रीमती मांगी बाई अब आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगी देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत यह लोकगीत, जिसके बोल हैं वीर शिरोमणि देश माने प्यारो लागे सा। तो आइए हम मंच पर आमंत्रित करते हैं श्रीमती मांगी बाई को। उनके साथ संगत दे रहे हैं मिठालाल वर्मा क्लैरिनेट पर और रमजान हुसैन साथ दे रहे हैं तबले पर। अभी भी वो जोश और उत्साह बरकरार है जो दिख रहा है आपको मंच पर। 90 वर्ष की उम्र, चेहरे पर शिकन, लेकिन दिल में वही जोश। एक बार जोरदार तालियां इस जोश और उत्साह के लिए।
सुन रहे हैं प्रख्यात मांड गायिका मांगी देवी को और उनके साथ संगत दे रहे हैं मीठा लाल जी वर्मा क्लेरियोनेट पर और रमजान हुसैन तबले पर। डाली बहे तो तोड़ लाऊं बायरिया, प्रीत ना तोड़ी जाए म्हारा सेना रा बायरिया, नाड़ी बहे तो डाक लूं समुद्र न डाक्यो जाए म्हारा सेना रा बायरिया। बायरिया अर्थात हवा, जैसा कि गुरुजी ने पहले बताया मरु प्रदेश में जब वर्षा होती है तब भादो और सावन के महीने में शीतल पवन मौसम को खुशनुमा बना देती है। तब वे नायिकाएं जो अपने प्रियतम की प्रतीक्षा में कई वर्ष गुजार चुकी होती हैं, वे इस गीत द्वारा अपने पी को संदेशा भेजती हैं, हे प्रीतम सावन तो आ गया तुम कब आओगे। प्रस्तुत है एक बार फिर मांगी बाई द्वारा प्रस्तुति, बोल है सेना रा बावरिया। Thank you.
हमारा सलाम इस जोश और जज्बे को कि जिन्होंने उम्र के इस पड़ाव में भी आपके समक्ष शानदार प्रस्तुतियां दी। इस शानदार प्रस्तुति को हम हमेशा याद रखेंगे। राजस्थान की लोक संस्कृति में मूमल और महिंद्रा की प्रेम कथा जग विख्यात है और इसका संपूर्ण वर्णन अब से कुछ ही देर में आपके समक्ष एक गीत के माध्यम से किया जाएगा। मैं आमंत्रित कर रहा हूं जैसलमेर की लोक गायिका श्रीमती शोभा हर्ष को। शोभा हर्ष इनके साथ देंगी ईश्वरी भाटिया, शोभा भाटिया तबले पर, जयप्रकाश हर्ष और हारमोनियम पर अनिल पुरोहित। राजस्थानी लोक संगीत की इस अनोखी और अनूठी मांड महोत्सव की मूमल।
अभी आप सुन रहे थे मांड महोत्सव 2013 के संपादित अंश का पहला भाग। वाचक स्वर थे शरद शर्मा और प्रार्थना व्यास के। प्रस्तुति सहयोग श्यामवीर सिंह, विक्रम सिंह गहलोत, संयोजक महेंद्र सिंह लालस और प्रस्तुतकर्ता थे SP थॉमस। इसका दूसरा भाग आप सुनेंगे कल रात 10 बजे।